एक इंसान मरने से पहले अपनी उम्मीदों से मरता है, वो हारने से पहले अपनी उम्मीद हारता है, कुछ खास खोने से पहले अपनी उम्मीद खोता है। अगर आज तुम्हारे अंदर वो उम्मीद मर जाए कि कल सुबह का सूरज तुम एक्चुअल में देखोगे, तो इस बात के 99% चांसेस है कि तुम सच में कल सुबह का सूरज नहीं देखने वाले। उम्मीद ऐसे तो बस 3.5 अक्षर का मामूली सा शब्द मालूम पड़ता है, लेकिन इसकी ताकत विशाल बोल बच्चन और बाजुओं से कई गुना ज्यादा है। उम्मीद एक एहसास है जो इंसान के साथ उसके पहले सांस से आखिरी सांस तक रहती है, पहले दिन से आखिरी दिन तक रहती है। चाहे परिस्थितियां खिलाफ हो जाएं, लोग खिलाफ हो जाएं, अपने पराये हो जाएं, नए लोग पुराने हो जाएं, चाहे जमाना इधर का उधर हो जाए, कभी उम्मीद मत खोना। उम्मीद से बेहतर साथी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। एक बार सांस के बिना शायद 2 मिनट तक जी भी जाओगे, लेकिन बिना उम्मीद के अगले पल तक नहीं टिक पाओगे। असल में होता ऐसा है कि लोग उम्मीद तो बहुत करते हैं, लेकिन इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि बहुत सारा अफसोस मिल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें जहाँ पर उम्मीद मजबूत करनी होती है, वहाँ वो कमजोर पड़ जाते हैं। उन्हें जहाँ अपने आप को साबित करना है, वहाँ वो पीछे हट जाते हैं, किसी गैर से उम्मीद लगा बैठते हैं, परिस्थितियों के सहारे हो जाते हैं, भगवान को और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं, और यहीं पर वो खुद के साथ धोखा कर लेते हैं, खुद को ठग लेते हैं, जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि कुदरत जन्म के समय भी अकेले भेजता है और मरने के बाद भी अकेले ही ले जाता है। तो इसी से समझ जाना चाहिए कि इंसान के जिंदगी में अगर कोई उम्मीद की जगह ले सकता है, तो वो खुद वो शख्स है या फिर नियति। आज अगर तुम बीच बाजार बेइज्जत हो गए, चाहे खेल के मैदान में करारी शिकस्त मिली, या फिर तुम तकलीफ और दर्द के सैलाब में हो, लेकिन अगले पल से उम्मीद लगाना मत छोड़ना। जिंदगी की नींव है उम्मीद। हाँ, माना कि दूसरों से की हुई उम्मीद हमेशा दर्द ही देती है, इसलिए यहाँ दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है, बल्कि खुद से और खुद की काबिलियत से उम्मीद करनी है, हर आने वाले लम्हों से उम्मीद करनी है। जिंदगी में कभी कभी इतना कुछ मिल जाता है जितना तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यकीन मानो, कौन सा लम्हा कब तुम्हें जिंदगी के किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा दे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन तब तक जब तक ये खुद से और खुदा से की जाए, ना कि किसी दूसरे से। ऐसा समझ लो कि उम्मीद तुम्हें एक हिम्मत देती है कि तुम अभी भी उस चीज पे कायम हो। जब तुम रोज सुबह बिस्तर से उठते हो, तो एक उम्मीद ही होती है जो तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी को उसी अंदाज में जीने का हौसला देती है। फिर फर्क नहीं पड़ता चाहे पिछला दिन जैसा भी बीता हो। किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी उठा के देख लो, तुम एक चीज हमेशा कॉमन पाओगे कि उन्हें भी पता नहीं था कि करना क्या है, जाना कहाँ है। उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि वो सफल बनेंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया, उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो आगे जरूर बढ़ेंगे सोसाइटी के बंधन तोड़ के। और यही वो उम्मीद है जो आपको अपने आप में जगानी है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर ये ना होती तो ना बाप बेटे को पालता और ना इंसान ये जिंदगी चाहता। जिंदगी जिसकी चाहे जितनी बुरी हो, सबसे अच्छी बात जिंदगी की ये है कि एक्चुअल में जिंदगी में आगे क्या होगा, हमें इसके बारे में पता नहीं होता, क्योंकि यहीं पर उम्मीद जन्म लेती है। और चाहे जिसकी जिंदगी में जितने भी बुरे लम्हे हो, वो इंसान कभी उम्मीद करना नहीं छोड़ता कि आने वाले दौर में उसका समय बदलेगा। उम्मीद करो, मगर दूसरों से नहीं, खुद से और खुदा से बस। क्योंकि अगर दूसरों से उम्मीद करोगे तो दिल टूटेगा, और खुद से उम्मीद करोगे तो जीने का एक नया रास्ता मिलेगा। लेकिन हाँ, इस बात का भी खास ख्याल रखना कि सिर्फ उम्मीद लगाए मत बैठना कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, सब अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, जो भी तुम चाहते हो वो अपने आप तुम्हें मिल जाएगा। उम्मीद एक शक्ति है जो असल में तुम्हारे सब्र को बरकरार रखती है, जिससे तुम्हारी कोशिशें लगातार रहती है। माँ बाप भी अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देते हैं इसी उम्मीद से कि कल को उनका बच्चा सिर उठाकर जिए। भविष्य में सफल होने वाले कई लोग आज सिर झुकाकर मेहनत कर रहे हैं इसी उम्मीद से कि शायद आज के उनके संघर्ष से वो अपना आने वाला समय सुधार लें। दोस्त, किसी बीमारी का इलाज भी इसी उम्मीद से किया जाता है कि वो बीमारी खत्म होगी, और जिंदगी भी यही सोचकर जीते हैं कि भले आज का दिन सही नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में हम तो बादशाह होने वाले हैं। उम्मीद बेशक 3.5 अक्षर का मामूली शब्द मालूम पड़ता है, लेकिन अगर ये ना होना तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होगा। इसलिए इस कीमती भावना को, यानी उम्मीद को, जिंदगी में कभी मत खोना, वरना जिंदगी बोझ हो जाएगी। वैसे भी एक पल में अफसोस और अगले ही पल आनंद, ये तो सार है जिंदगी का। तो क्यों इससे घबराना, डरना या रुकना है? इसलिए लगातार अपने लक्ष्य पर मेहनत करते रहिए, उम्मीद बेहतर करिए, क्या पता कल ही वो दिन हो जिसका इंतजार आपको सालों से है। दोस्तों, इस वीडियो से जो पॉजिटिविटी और कुछ करने की चाहत आपके अंदर मुरझा गई होगी, वो बेशक एकदम मजबूती से वापस आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना वक्त गंवाए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।